हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द हिडन ब्यूटी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। मैं हूं अंजू और आज मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि बाहर लॉकडाउन लगा है, कोरोना टाइम चल रहा है, तो सारे सलोन भी बंद है, तो मेरे पास बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट आई थी कि मैम हमारा मेकअप कर दीजिए, बिकॉज मैं एक फ्रीलांसिंग मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, तो उनको मैंने मना कर दिया था, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो शेयर की जाए आप लोगों के साथ, तो मैंने ये वेडिंग लुक रेडी किया है, तो ये शायद आपके बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, और ऐसी ही बहुत सारी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कर लूँगी अपनी स्किन केयर। मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है, उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये पॉन्स का मॉइस्चराइज़र, जिससे मेरी स्किन हाइड्रेट रहेगी। इसको मैं अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी, फिर अच्छे से मसाज करूँगी। ये जो पॉन्स का मॉइस्चराइज़र है, ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है, बिकॉज ये बहुत ही लाइट वेट मॉइस्चराइज़र है। कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं, मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है, तो इससे मैं अपने फेस पर अच्छे से मसाज कर। फिर मैंने ली है ये शुगर की लिप बम, इससे मैं अपने लिप्स को भी मसाज कर लूँगी, जिससे कि मेरे लिप्स ड्राई ना लगे। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये नाइका का प्राइमर। ये इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ बिकॉज ये स्किन स्मूथ कर देता है, बेसिकली ये हमारे पोर्स को भी फील कर देता है, जिससे स्किन इवन एंड स्मूथ लगती है, साथ ही साथ मेकअप भी लॉन्ग लास्टिंग रहता है। इसको मैं अपने टी जोन एरिया पर अप्लाई करूँगी और हल्के हल्के से इसको उसी जगह पर स्प्रेड करूँगी, बाकी बचा हुआ मैं अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये लॉरियल इन्फेलिबल फाउंडेशन, मेरा शेड है 125 नेचुरल रोज़। इसको मैं अपने पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, और जो आपका शेड है आप अपने शेड का कोई भी फाउंडेशन यूज़ कर लीजिए। नेक पर भी मैं इसे अप्लाई करूँगी, जिससे ये ना लगे कि फेस किसी और का है और नेक किसी और का है। इसको मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से डैब डैब करके ब्लेंड कर लूँ। तो मेक श्योर करें कि अपने फेस पर थोड़ा सा टाइम लगाएं, बिकॉज ब्लेंडिंग में थोड़ा टाइम लगता है, जिससे कि हमारा जो बेस है वो एकदम नेचुरल लगे। अगर आप ब्लेंडिंग में टाइम नहीं लगाएंगे तो आपका कहीं से फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए रह जाएगा, तो इस वजह से अपने फेस को थोड़ा सा टाइम दीजिए ब्लेंड करने में, और उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ें। अब मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का कंसीलर शेड 20 सेंट। इसको जनरली अपने डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि मेरा स्किन टोन है वो इवन लगे। साथ ही साथ मैं इसे अपने हाइलाइटेड एरिया पर भी अप्लाई करूँगी, जैसे मेरा नोज़ का ब्रिज हो गया, चिन हो गई, चिन एरिया ये जो है अपर लिप्स है मेरा, और फोरहेड है, इन सभी जगह पे मैं अप्लाई कर लूँगी। और उसी ब्यूटी ब्लेंडर से मैं ब्लेंड करूँगी जिससे मैंने ये फाउंडेशन ब्लेंड किया था, उसी ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और आप ये ध्यान में रखिएगा कि जहाँ जहाँ आपने फाउंडेशन अप्लाई किया है उसी जगह पर आपको ब्लेंड करना है, अगर पूरे फेस पे आपको नहीं फैलाना है इसको। जहाँ जहाँ आपने कंसीलर अप्लाई किया था, जैसे आपने चिन पे किया था तो चिन पर ही इसको ब्लेंड कीजिएगा, नोज़ पे लगाया तो नोज़ पे ही ब्लेंड कीजिएगा, फोरहेड पे लगाया तो फोरहेड पर ही ब्लेंड कीजिएगा, अच्छे से इसको ब्लेंड कर लीजिएगा। अब मैं मेरे बेस को सेट करने के लिए मैं लॉरियल इन्फेलिबल कॉम्पैक्ट का यूज़ कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ फ्लफी ब्रश। इसको मैं पूरे फेस पर अप्लाई करूँगी। इसे लगाने से हमें दो बेनिफिट मिलेंगे, एक तो हमारा बेस को लॉक कर सेट कर देगा, सेकंड हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। उसके बाद मैंने ये शुगर की कॉन्टोर डी फोर्स फेस पैलेट का यूज़ किया है, इससे मैं अपने फेस को कॉन्टोर करूँगी, बिकॉज हमने जो फाउंडेशन और कंसीलर अप्लाई किया था उससे हमारा फेस बहुत फ्लैट लगने लगा था, तो उसको एक स्ट्रक्चर देने के लिए, एक शेप देने के लिए मैं कॉन्टोर का यूज़ कर रही हूँ।
तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा सा अपने ये जॉ लाइन पे, मेरे ये डबल चिन है थोड़ा सा इस पे, और थोड़ा फोरहेड पर अप्लाई कर लूँगी, जिससे कि मेरा फेस फ्लैट ना लगे, थोड़ा सा शेप में आ जाए। इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी इस इन जगहों पे। अब मैं इसी पैलेट में से ब्लश का भी यूज़ करूँगी। मैंने इसको थोड़ा सा अपने ये फ्लफ़ी ब्रश में ले लिया है, इसको मैं अपने चीक्स एरिया पर अप्लाई करूँगी थोड़ा थोड़ा सा, जिससे कि हमारा फेस एकदम नेचुरल सा लगे। अब मैं यूज़ कर रही हूँ एनवैक्स का ये हाइलाइटर। इसको मैं अपने चीक्स बोन पे, अपने चिन एरिया पे, अपर लिप्स पे, नोज़ ब्रिज पे, और मेरी ये नोज़ टिप पर, और थोड़ा सा फोरहेड पर इसको मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये लॉरियल की आईब्रो किट। इसको मैं अपने आईब्रोज पर यूज़ करूँगी, जहाँ जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मेरी हेयर ग्रोथ कम है, उस जगह पे मैं इसको फिल कर लूँगी। मेरे पास ये एंगल ब्रश है, इसकी हेल्प से मैं अपनी आईब्रो को शेप दूँगी। तो जहाँ जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हेयर ग्रोथ कम है, उस जगह पर मैं इसे अप्लाई कर लूँगी और एक अच्छी सी शेप दूँगी। ज़्यादा आपको ब्लैक शेड यूज़ नहीं करना है, वो बिल्कुल अननेचुरल सा लगता है। आपको बिल्कुल नेचुरल सी आईब्रोज रखनी है, तो थोड़ा थोड़ा सा बस ब्राउन शेड को आप फिल करती रहिए अपने आईब्रोज पे, ये बहुत ही नेचुरल लुक आपको देगी। अब एक ये स्पूली की हेल्प से मैं इसको कॉम्ब भी कर लूँगी। अब मैं एक बार फिर से यूज़ कर रही हूँ ये मेबलिन का कंसीलर। इसको मैं अपने आईलेट पर लगाऊंगी और उसी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी की ये डेजर्ट डस्ट पैलेट, जिससे मैं पिक कर रही हूँ शेड एडन एज अ ट्रांजिशन कलर। इसको मैं अपनी आईलेट पर अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से। उसके बाद मैंने शेड एम्बर यूज़ किया है, इससे मैं अपनी क्रीज को डिफाइन करूँगी आउट ऑफ कॉर्नर से इनर कॉर्नर तक, और दोनों कलर्स को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। फिर मैं यूज़ कर रही हूँ डार्क ब्राउन कलर शेड OUD। इसको मैं अपने आउट ऑफ कॉर्नर से लगाऊंगी इनर कॉर्नर तक और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैं कंसीलर से हाफ कट क्रीज बना लूंगी।
फिर मैं कट क्रीज को फिल कर लूंगी विद गोल्डन शेड। अब मैं जो मैंने ब्राउन कलर और जो मैंने ये गोल्डन कलर लगाया था उसको मैं अच्छे से मर्ज कर लूँगी। अब मैं लोअर लैश लाइन पे लाइट कलर का यूज़ कर रही हूँ, लाइट ब्राउन। उसके बाद मैंने हल्का सा डार्क ब्राउन शेड भी लिया है, एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये लैक्मे का मस्कारा। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये लिपस्टिक जिसका शेड है सैडल ब्राउन शेड, इसको मैं अपने लिप्स पर अप्लाई कर लूँगी। अब मैं यूज़ कर रही हूँ NYX का मेकअप फिक्सर, इसको मैं अपने पूरे फेस पे स्प्रे कर लूँगी। दैट्स माई फाइनल लुक। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा।